वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मॉडल एग्री मॉल की 3D फुटेज, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा और साहिवाल के यूनिफॉर्म डिजाइन की मंजूरी। पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का फैसला। ज़रई पैदावार की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम का जायजा। पहले फेज के 9,509 ग्रीन टेक ट्रैक्टर के डिजाइन और दीगर उमूर की मंजूरी। महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी, चीनी की 100 किलो की बोरी 500 रुपये सस्ती। रेट 13,300 से कम होकर 12,800 रुपये हो गया। गला मंडी में 128 और परचून में चीनी 135 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बरकरार। इख्तियार छीनने के बाद इफरादी कुवत से भी महफूम। 48% अफसरान की असामियां खाली। मजमू तौर पर 995 में से 474 ताहाल खाली। 58 सेक्शन ऑफिसर्स, 39 डिप्टी स्पीकर्स, 13 एडिशनल सेक्रेटरीज की असामियों पर भर्ती ना हो सकी। रोही ने फहरिस्त हासिल कर ली। जनूबी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़। 11 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले। शीजा रहमान का सलामवाली से तबादला। जमशेद इकबाल एसी सलामवाली तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद का तबादला। मोहम्मद इरफान को एसी मुजफ्फरगढ़ लगा दिया गया। एसी राजमपुर जहूर अहमद ऐवान का तबादला। जमील अहमद एसी राजमपुर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान में सजा पहली बार इंटरनेशनल खवातीन क्रिकेट मेला। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज 1-1 मैच से बराबर। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट पुरजोश। पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पूर्व उम्मीद। कहा दोनों टीमों के दरमियान आखिरी मैच जरूर देखेंगे। मौसमियाती तब्दीली के बायस अशूबे चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। बहावलपुर में रोजाना 70 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होने लगे। रवामा अशूबे चश्म के 1200 से ज्यादा केस रिपोर्ट। सरसादिक अस्पताल में 60 केस रिपोर्ट हुए। साफ पानी की अदम फराहमी और बे एहतियाती से शहरी होने लगे बीमार। बहावलपुर में 146 अफराद गैस्ट्रो का शिकार। सरसादिक अबासी अस्पताल में 122, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 24 शहरी रिपोर्ट हुए। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान की वाहिद MRI मशीन खराब। मरीजों को मुश्किलात का सामना। बाहर से महंगे टेस्ट करवाने पर मजबूर। मरीजों के लवाहिकीन को परेशानी का सामना। जनूबी पंजाब इंतजामिया की मुबैना नाअहली। शहर ओलिया का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। नादराबाद फ्लाईओवर का सर्विस रोड ताहाल नामुकम्मल। खस्ता हाल सड़क पर हादसात मामूल। शेरशाह रोड की तामीर भी ताखीर का शिकार। उधर तुरंडा मोहम्मद पनाह में बाईपास और गंजी मोरी को मिलाने वाला केनाल रोड भी टूट फूट का शिकार। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। शहर ओलिया के तारीखी मुकामात इंतजामी की तवज्जा के मुंतजिर। अंग्रेजों के दौर में बनाया गया मुल्तान घंटा घर जबोहाली का शिकार। शहर के कदीमी विरसे की ताजीन और आइश ना हो सकी। इमारत बेबसी की तस्वीर बनकर रह गई। लोधरा इंतजामिया की मुबैना लापरवाही। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 15 साल से फंक्शनल ना हो सका। स्कूल की इमारत जानवरों का बाड़ा बन गई। स्कूल के मुतालिक मालूमात जमा की जा रही है। महकमे एजुकेशन का मौके। दुनियापुर म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना नाअहली से इकलौती तफरी गाह वेरानी में तब्दील। मेजर आमिर आजम शहीद पार्क की मुनासिब देखभाल न होने से झाड़ियां उग गईं। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
नवाबों के शहर बहावलपुर को खूबसूरत बनाने का ख्वाब अधूरा। मुतल्लिका इदारे दफातर तक महदूद। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की ताज़ीन और आइश भूल गए। कराची मोड़ पर ग्रीन बेल्ट पीएचए की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। सफाई के नाकिस इंतजाम से ग्रीन बेल्ट कचरा कुंडी में तब्दील। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मियांवाली में अब तक 1000 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 21 करोड़ रुपए जुर्माना, 18 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। उधर खानपुर में बिजली चोरी पर दर्जनों ट्रांसफार्मर और मीटर उतार लिए गए। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी। 1000 रुपए इजाफे के बाद 24 कैरेट की कीमत 2,71,000 तक पहुंच गई। 22 कैरेट 2,48,400 रुपए तोला हो गया। स्मोक के खात्मे के लिए महकमे तहफ्फुज़ माहौलियात मुतहरिक। इंसदाद स्मोक ऑपरेशन का आगाज कर दिया। बहावलपुर में जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टे मसमार। मुतअद्दिद भट्टा खिस्त को वार्निंग जारी। गंदम के लिए बारदाना नहीं दिया गया। अब नाकिस बीज के बायस धान की फसल भी खराब होगी। दही से ही कसर, मैपको काम ने नाजायज बिलों से पूरी कर दी। काश्तकार मुतालिबात के हक में सड़कों पर आगे। बुरेवाला में पाकिस्तान किसान इतिहाद के जेर एहतमाम एहतजाजी रैली। 8 अक्टूबर को बड़े एहतजाज का ऐलान। मंडी सादीगंज में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। इंतजामिया के अहकाम हवा में उड़ा दिए। लिस्टें आवेजा होने के बावजूद किरायों में कमी ना आ सकी। मुसाफिर ताहाल रिलीफ से महरूम। लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। अवामी शिकायत के अजाले कमीशन अब 15 कॉल पर भी मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज न करने वाले SHOs की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। 15 पर मौसूल कॉल का मुकदमा नंबर सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। मुकदमात के अदम इंतराज की शिकायत पर सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया। बहावलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म। एसोसिएट क्लास पर 15 मेंबरान मदे मुकाबले। 12 एग्जेक्टिव मेंबरान के चुनाव के लिए 1000 मेंबरान ने वोट कास्ट किया। जीतने वाले एग्जेक्टिव मेंबरान आइंदा 2 साल के लिए नए सदर का इंतखाब करेंगे। सामान की तरसील और डाक डिलीवरी में ताखीर की शिकायत का अजाला। पाकिस्तान पोस्ट की UMS+ सर्विस लॉन्च कर दी गई। मुल्तान में एग्जेक्टिव काउंटर कायम। सहूलत जनूबी पंजाब के 10 GPOs के 24 मुकाम पर दस्तियाब होगी। मुजफ्फरगढ़ में भी UMS+ सर्विस का इफ्तिताह। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट 22 सितंबर को होंगे। पंजाब भर में दफा 144 नाफिस। महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के जेर सदारत इजलास MD कैट टेस्ट बारे इंतजाम का जायजा लिया। हारूनाबाद में किसान कार्ड का इजरा। तकरीब में MPA चौधरी गुलाम मुर्तजा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। महकमे ज़राअत के ऑफिसर्स के हमराह किसानों में कार्ड तकसीम किए। अवामी मसाइल दहलीज पर हल करने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर कोटा दूध सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी की खुली कचहरी। अवाम के मसाइल हल करने के अहकाम जारी। उधर डिप्टी कमिश्नर लैया अमीरा बेदार ने शहरियों के मसाइल सुने। अफसरान से रिपोर्ट तलब। असिस्टेंट कमिश्नर करोल अनम अक्रम की फतेहपुर में अफसरान से मीटिंग। शहर के मसाइल फौरी हल कराने की यकीन दहानी। कलमा चौक से गैर कानूनी अड्डों के खात्मे और स्ट्रीट लाइट्स की फौरी बहाली का हुक्म।
फौरी रिस्पॉन्स पर दुकानदारों का डिप्टी कमिश्नर मियावाली और रेस्क्यू को खराज तहसीन, डीसी और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नवीद अहमद को हार पहनाए। रेस्क्यू एहलकारों ने निजी शॉपिंग प्लाजे में बर वक्त रिस्पॉन्स करके आग पर काबू पाया। खानीवाल सनत एजार में तालिबात के माबैन खाना पकाने का मुकाबला। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा सुंबल जावेद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पोजीशन होल्डर्स तालिबात में इनामात भी तकसीम किए। कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों में तालिबात की हौसला अफजाई जरूरी है। और ट्रांसजेंडर्स के लिए खुशखबरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान की जानिब से नौकरी का ऐलान। ट्रांसजेंडर स्कूल में बनाए गए वोकेशनल सेंटर में भर्तियां होंगी। ब्यूटिशियन, कुकिंग और सिलाई कढ़ाई में महारत रखने वाले ट्रांसजेंडर्स अप्लाई कर सकेंगे।